सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहां पर खेती बाड़ी काफी की जाती है और खेती बाड़ी करने के लिए आपको बीज, पेस्टिसाइड वगैरह की आवश्यकता होगी। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे अपने गांव, शहर, कस्बे में बीज भंडार या पेस्टिसाइड की दुकान खोल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए हम आए हैं श्रीराम बीज भंडार बिजनौर। नमस्कार ब्रह्मपाल सिंह जी। नमस्कार सर, कितने समय से आप ये बीज भंडार की दुकान चला रहे हैं? सर, मुझे एक साल के आसपास हुआ है। एक साल के आसपास हुआ है तो सर आपको अच्छी खासी जानकारी होगी, एक साल में भी कुछ अनुभव हुआ होगा। सर, जैसे कोई बीज की दुकान स्टार्ट करता है अपने गांव या शहर में या कस्बे में, तो वो स्टार्ट कैसे कर सकता है, उसकी क्या प्रोसेस है? सर, इसमें सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए जी। उसके बाद आप कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। हाँ। आपको वो सारी फॉर्मेलिटी है, मतलब कृषि विभाग, आप बीएससी होने चाहिए एग्रीकल्चर से, उसके बाद कृषि विभाग में आप आवेदन करके इसका लाइसेंस बनवा सकते हैं। अच्छा, आपने अगर बीएससी एग्रीकल्चर नहीं की तो ये इसका लाइसेंस बन नहीं पाएगा फिर? एक वे अपना एक डिप्लोमा देते हैं कि बताते हैं कि किसी स्कूल से आप डिप्लोमा वगैरह ले लो जी। काफी प्राइवेट संस्था भी है, उनसे डिप्लोमा ले लिया जाता है जी। उसके अकॉर्डिंग वे आपको लाइसेंस जारी कर देते हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने पहले कोई और इंजीनियरिंग करी हो या कुछ और करा हो और वो बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है, तो वो डिप्लोमा करके भी कर सकता है, व्यवसाय अपना कर सकता है। सर, जैसे डिप्लोमा वगैरह बन गया तो उसके बाद रेंज कैसे बनाएंगे सर, क्या आइटम होने चाहिए बीज भंडार की दुकान में? उसको थोड़ा तो आपको देखना है, सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज की है। जैसे हमारी ये पश्चिम बेल्ट है, अभी गन्ना बाहुल्य बेल्ट है, उसके बाद उस हिसाब से आप जो ग्राहक की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आगे आप ऑर्डर दोगे जी। सर, जैसे अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बिजनौर में है तो सबसे ज्यादा गन्ना ही होता है, तो गन्ने का तो बीज वगैरह शायद गन्ने ही काट कर होता है, तो उसके अलावा उसके अनुसार क्या क्या चीजें रख सकते हैं गन्ने के लिए, गन्ने की फसल करनी है तो? गन्ने के लिए काफी पेस्टिसाइड वगैरह है और अगर गन्ने के अलावा भी यहाँ काफी चीजें होती हैं, जैसे दाल हो गई, गेहूं, चावल वगैरह हो गया, बाजरा हो गया, तो उसके लिए उनका बीज वगैरह कैसे रखते हैं? ये कंपनियों से संपर्क बनाते हैं और उसके जो है आपके पास एजेंट वगैरह आते हैं, उनको रिक्वायरमेंट दे देते हैं और वो सामान अपना पहुँचाते हैं। तो जैसे कोई स्टार्टिंग कर रहा है, आपने भी एक साल पहले स्टार्टिंग करी थी, तो उसके लिए आपने कितनी कंपनियों से स्टार्टिंग में संपर्क किया, क्या आराम से संपर्क हो जाता है, एजेंट वगैरह खुद आ जाते हैं या फिर पहले रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है? एजेंट वगैरह स्वयं आ जाते हैं, कुछ रिसर्च आपके आजकल मोबाइल वगैरह से कर लेते हैं जी। और सर, इसमें जैसे आपने कुछ तो कंपनियों से संपर्क कर लिया, उनके प्रोडक्ट आ गए आपके पास, उसके अलावा पेस्टिसाइड वगैरह काफी इस्तेमाल किया जाता है आज, क्योंकि गन्ने में भी या कोई भी फसल हो उसमें काफी रोग लगता है, तो उसकी रेंज के लिए क्या बीज भंडार से अलग, बीजों से अलग क्या चीज ले सकते हैं? इसके तीन लाइसेंस होते हैं, फर्टिलाइजर का अलग होता है और पेस्टिसाइड का अलग होता है और सीड का अलग होता है जी। अगर हमें सीड का भी तीनों व्यवसाय करने हैं तो तीनों लाइसेंस लेने होंगे जी। अच्छा, अगर तीनों व्यवसाय करने हैं तो तीनों लाइसेंस चलेंगे, अगर हाँ अगर केवल बीजों का करना है तो केवल बीज का लेना होगा, उसमें कोई एजुकेशन की बात देता नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर। अच्छा, अगर केवल बीज करने हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर भी जरूरी नहीं है? बहुत अच्छी बात है सर, बहुत सही जानकारी दी आपने, हमारे दर्शक भी इससे जानकारी ले पाएंगे। अगर बीज की बात करें, केवल बीज, तो शुरुआत में कितने तरह के बीज आपको रखने चाहिए? वो तो शुरू में स्टार्टिंग में हमको देखना पड़ता है, कई समस्या आती है स्टार्टिंग में, ग्राहक क्या मांग रहा है उसको नोट करना पड़ता है, फिर अवेलेबल कराते हैं या उसका टाइम ले लेते हैं कि भाई परसों या तीन दिन के बाद या दो दिन के बाद ले जाना, उसको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। और सर, जैसे बीज आपने बोला कि जैसे जैसे ग्राहक आएंगे आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह की डिमांड आ रही है, उसी तरह के आप अपनी रेंज बना सकते हैं। उसके अलावा सर, क्या इसमें बीजों में कोई एक्सपायरी वगैरह भी होती है कि नुकसान हो जाए? एक्सपायरिंग होती है, कई बार बीज अगर हमारा बच जाता है तो नुकसान हो जाता है। तो क्या एक्सपायरी वगैरह कंपनी से आप बीज लेते हैं तो वापस नहीं लेते? कोई वापस नहीं लेते। और सर, जैसे आपने काफी तरह के पेस्टिसाइड वगैरह रख सकते हैं, अलग अलग फसल के हिसाब से अलग रखने हैं, तो क्या ये पेस्टिसाइड जो है फसल के अनुसार लेते हैं या मौसम, जैसे अपने भारत में तीन तरह का मौसम होता है, जाड़े होते हैं, बरसात होती है, वर्षा होती है,
गर्मियां, तो उसके अनुसार लेते हैं या फसल के अनुसार लेते हैं? सर उसमें ये देखना पड़ता है यहाँ पे क्या चीज चलने वाली है, रिक्वायरमेंट किस चीज की है। जैसे हमारा पश्चिमी यूपी बेल्ट गन्ना का बेल्ट है, तो जो गन्ने की रिक्वायरमेंट है पेस्टिसाइड वगैरह की वही मंगाते हैं हम ज्यादा। मतलब जैसे गन्ने का है तो गन्ने की ही ज्यादा मंगाएंगे। तो सर इसके लिए कोई प्रमुख कंपनियां, ग्राहक जब आते हैं तो कुछ विशेष कंपनियों के हिसाब से लेते हैं कि जी हमें नहीं उसी कंपनी का चाहिए, या बस आपके अनुसार ले लेते हैं वो, कि अब वो बताते हैं कि हमारी फसल में ये रोग है उसी हिसाब से लेते हैं? कुछ ग्राहक तो ऐसे होते हैं वही कंपनी बताते हैं, कुछ कहते हैं भैया हमको ये प्रॉब्लम है, ये फसल में हमारे ये प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम दवाई देते हैं। सर जब स्टार्ट करते हैं तो आपको डीलर से संपर्क करना पड़ता है या डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं माल? स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटर के एजेंट आते हैं, उनसे संपर्क करना पड़ता है। तो क्या कोई सिक्योरिटी वगैरह भी जमा करनी पड़ेगी उसके लिए, या ऐसी काम चल जाएगा? अब तो सब सिस्टम कंपनी ने चेंज किया हुआ है, अब तो सब सब उधर चेक देना है, उधर आपको माल लेना है। मतलब आप चेक देंगे और माल ले लेंगे, अब कैश पे काम चल रहा है, अब साइड वगैरह ज्यादा नहीं मिलती है। और अगर कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करना चाह रहा है, जैसे किसी गांव में ज्यादा, क्योंकि खेती ज्यादातर गांव में होती है, शहर में खेती होती नहीं है या कस्बों में होती है, तो उसे स्टार्टिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज की है, उसके हिसाब को आपको मेंटेन करना है। उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए क्या वो सर्वे कर सकता है या किसी दुकान पे पहले कुछ दिन रह के देख सकता है सर? उसको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए, अगर किसान फैमिली से है तो उसको कुछ जानकारियां तो स्वयं होती है जी। और अगर बात करें एक छोटे मोटे गांव देहात या कस्बे के अनुसार कि कितने लागत में वो स्टार्ट कर सकता है सर? इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसकी जो है वैरायटी काफी है, पेस्टिसाइड की भी सीड की भी काफी है, कोई निश्चित सीमा नहीं है, वो उसके पूंजी के ऊपर डिपेंड करता है, इस हिसाब से वो कर सकता है। लेकिन एक अनुमानित 2-3 लाख या 5 लाख के 5-7 लाख से वो स्टार्टिंग कर सकता है, 5-7 लाख से स्टार्ट कर सकता है। अगर शहर में करे तो शहर में थोड़ा ज्यादा होगा, शहर में थोड़ा ज्यादा होगा, जैसे रेंज होगी वैसा खर्चा होगा। आपके पास कम पैसा है कम रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा पैसा है तो एक पूरा शोरूम बना सकते हैं, रेंज आप लगा सकते हैं अगर आपके पास पैसा काफी है। ब्रह्मपाल जी आपने बताया कि कितनी कॉस्ट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर इसमें एक आय का अनुमान लगा लिया जाए तो कितने परसेंट का मुनाफा इसमें हो सकता है लगभग? इसमें टोटल एवरेज अगर आप देखते हैं तो 10% के आसपास। 10% जैसे दवाइयों में मुनाफा होता है 10 से लगभग 23% तक का मुनाफा होता है, उसी तरह से इसमें भी लगभग 10% का मुनाफा होता है। ये थे हमारे साथ ब्रह्मपाल जी, जिन्होंने हमें बीज भंडार और पेस्टिसाइड्स की दुकान के ऊपर जानकारी दी। नमस्कार ब्रह्मपाल जी।